नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। हल्की ठंड में सुबह की सैर हड्डियों के घनत्व को बढ़ाती है। टहलने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ जाती है एवं तनाव भी दूर होता है। इस मौसम में प्रतिदिन कम से कम 3 किलोमीटर व सप्ताह में 5 दिन अवश्य सैर करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जानकारी के अनुसार सैर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और आज के इस पैकेज में हम आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। सैर के लिए जाते समय जूते पहने, ना कि चप्पल। इससे किसी प्रकार की मोच या असंतुलन की स्थिति नहीं बनेगी। पहने गए जूते आरामदायक हों ताकि चलते समय तकलीफ ना हो। सैर करने के लिए शांत वातावरण वाली जगह को चुनें जहां चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य हो। इसके लिए कोई बाग या बगीचा चुन सकते हैं या फिर किसी हरियाली वाली सड़क पर निकलकर सैर कर सकते हैं। ऐसे स्थान आपके तनाव को कम करते हैं। टहलते समय हल्की गहरी सांस लेने की आदत डालें और मन में शुद्ध विचार लाएं। इससे आप स्वच्छ और शुद्ध ऑक्सीजन अपने शरीर में लेंगे और सकारात्मक महसूस करेंगे। ये दोनों ही चीजें आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। शरीर का तापमान सामान्य रखने हेतु शरीर को अतिरिक्त पानी चाहिए। इसलिए सैर पर जाने से पहले और बाद में एक ग्लास पानी जरूर पिएं। इससे तापमान सामान्य रहेगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। टहलते समय अपने हाथों को नीचे की ओर रखें और हाथ हिलाते हुए चलें। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा और स्फूर्ति बनी रहेगी। टहलते समय किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना रखें। सैर शुरू करते समय और समाप्त करते समय हमेशा चलने की गति धीमी रखें। इसके साथ ही सुबह की सैर के पश्चात संतुलित आहार की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप हृदय रोगी हैं, रक्तचाप या कोई अन्य गंभीर समस्या से पीड़ित हैं, तो टहलना प्रारंभ करने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। अगर आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं और अपने चेहरे की चमक भी बरकरार रखना चाहते हैं, तो प्रतिदिन वॉकिंग को अपनी आदत में शुमार कर लें। इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होने के साथ साथ हृदय रोग का खतरा भी कम होता है। जोड़ भी मजबूत होते हैं और शारीरिक मेटाबॉलिज्म की गति तीव्र होती है, जिससे वजन कम होता है। और इतना ही नहीं, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, इन सर्दियों में अगर आप वॉकिंग करना शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी बताई हुई टिप्स को जरूर ध्यान में रखें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।